तरीके से इसको छोड़ देना है, बस छोड़ देना दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमने छोड़ दिया, अब हमारा जो टाइम है वो सेट हो चुका है। हमने एक बार हेलो एवरीवन ना, सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलईडी वॉच में टाइम कैसे सेट करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मार्केट में एक नई लेटेस्ट वॉच आई है एलईडी वॉच के नाम से। बहुत ही प्यारा सा मॉडल है ये, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मुझे बहुत ही पसंद आया तो मैं इसको बाय करके लाया हूँ और इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास इस टाइप की वॉच हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो मेरा स्किप किया और एंड तक देखना। तो अगर आप इस टाइप की वॉच लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसकी ट्यूटोरियल और क्वालिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी क्वालिटी, इसकी प्राइस की। इसकी जो प्राइस होती है मार्केट में 150 रुपये होता है। मैंने 150 रुपये में इसको बाय किया, क्योंकि मार्केट में ये नहीं आई है। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें टाइम, डेट है। ये वाटरप्रूफ है या नहीं ये मुझे भी नहीं पता, बाद में चेक करेंगे। इसकी हम बेल्ट की बात करें तो बेल्ट काफ़ी अच्छी सॉफ्ट है। तो अब बात करते हैं कि इस वाले वॉच में टाइम, डेट को कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख लें, इसमें चार बटन मिलते हैं, दो इधर और दो इधर, ठीक है। इन दोनों बटन का कोई भी यूज़ नहीं है, शो के लिए दिया गया है। इस वाले बटन से हम दबा के टाइम को देख सकते हैं, ठीक है। इस वाले बटन को एक बार और दबा के हम डेट को देख सकते हैं। और नीचे वाले दो एक बटन से हम क्या करेंगे, टाइम को सेट करेंगे, टाइम और डेट को। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास एलईडी वॉच है तो उसमें टाइम और डेट को कैसे सेट करते हैं। इसलिए मैं पहले ही मैंने आपसे कहा कि वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, इसलिए वीडियो मेरा स्किप किया एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसरार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ दिख रहे लाल बटन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड लास्ट में लाइक करना मत भूलें, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं इसको बांध लेता हूँ अपने कलाई पे, ठीक है। तो मैंने इसको पहन लिया अभी अपने कलाई पे, मैं अपने हाथ में बांध लिया है। तो गाइस मैंने अपने हाथ में पहन लिया अभी ये वॉच, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया दोस्तों। तो आप लोग देख लो, बहुत ही प्यारा सा ये वॉच लग रहा है। तो अब बात करते हैं कि टाइम सेट करने के लिए बस हमारे को दो बटन का काम लेना है, पहला ये और दूसरा ये वाला बटन, जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें दो ही बटन होते हैं इधर काम करने वाला, एक और दो, ठीक है। और जो ये बटन होती है, इन दोनों बटन का कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि टाइम कैसे सेट करते हैं। इसको हमारे को एक बार दबा रहा हूँ तो टाइम हमारा आ जाएगा, एक बार और दबाएंगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं हम ऐसे ही, एक बार दबाएंगे तो टाइम आएगा, एक बार इस नीचे वाले बटन को दबाएंगे तो हमारा जो घंटे वाला वो ब्लिंक करने लगेगा। इस वाले बटन से हम कर लेंगे अपने हिसाब सेट, अभी हो रहा है हमारा 7, ठीक है। एक बार इसको और दबाएंगे तो हमारा मिनट वाला ब्लिंक करने लगेगा, ठीक है, मिनट वाला ये, ठीक है, ये मिनट का है और ये घंटे का। उसके बाद इसके वजह से कर लेंगे अपने हिसाब सेट, जैसे हो रहा है अभी 10, हमने कर लिया 10, 7:10। उसके बाद इस तरीके से इसको छोड़ देना है, बस छोड़ देना दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमने छोड़ दिया, अब हमारा जो टाइम है वो सेट हो चुका है। हमने एक बार इसको दबाया, 7:10 हमारे को शो रहा है, इसका मतलब हमारे को टाइम सेट करना आ गया है, क्लियर। देखना दो, एक बटन दबाने से ही आपका टाइम सेट हो गया। अब बात करते हैं कि डेट को कैसे सेट करते हैं। तो डेट को सेट करने के लिए क्या करना होगा, एक बार इसको दबा देना होगा और 1, 2, 3 बार इसको दबा देना होगा। जब 3 बार इसको दबाएंगे तो हमारा जो महीने वाला बिलिंग करने लगा, इस वाले बटन की मदद से हम कर लेंगे अपने हिसाब से सेट। जैसे अभी हो रहा है हमारा 12वां महीना, ठीक है, ये 12वां महीना हो गया। अब एक बार इसको और दबा देना है, जब एक बार इसको और दबाएंगे तो जो तारीख वाला है ना बिलिंग करेगा, ये तारीख वाला है, ये महीने वाला है। तो इस वाले बटन से जाकर कर लेंगे अपने हिसाब से सेट, जो हमारा टाइम हो और जो हमारा अभी तारीख हो रहा है वो हो रहा है 31, तो हम इसको कर लेते हैं 31, कर लिया। अब इसको छोड़ देना, इस तरीके से छोड़ देना, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, 1, 2, 3 बंद हो गया, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो हमारे को क्या दिख जाएगा, टाइम। एक बार और दबाएंगे तो हमारे को दिख जाएगा डेट, ठीक है। तो आप लोग देख लें, तो बहुत ही इजी है टाइम सेट करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, टॉपिक के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।